अकर्म देखता है, जो इसका मतलब जिनका कर्म अकर्म ही है, जिसका काम अकर्म करना ही है, और जो अकर्म में कर्म देखते हैं, मतलब जिनका गुण ऐसा हो चुका है वो हमेशा अकर्म को ही अपना कर्म मानता है, तो उनको ही बुद्धिमान बोला जाता है। और ये कोई भी कर्म करे, ये किसी भी कर्म करे, मतलब जिनका मतलब सिर्फ अकर्म को ही कर्म मान लिया है और जो भी कर्म करना है उनको वो अकर्म ही करता है, तो वैसे परिस्थिति में वो जो भी करता है उसको हमेशा वो मतलब ट्रांसेंडेंटल रहता है, उसको उसका जो फल है, इसका जो रिएक्शन है, कर्म का जो रिएक्शन है, एक्शन का जो रिएक्शन है, वो कभी भी टच नहीं करता, वो कभी भी उसमें कर्म बंधन में कभी भी बंधता नहीं है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो हमेशा आत्मानुभूति लाभ हेतु वो क्या करता है, हमेशा भगवान का प्रति विधान करने हेतु हमेशा वो एंगेज रहता है और हमेशा सोचने रहता है, मतलब मन बुद्धि काय मानवक्य वो तीनों में वो हमेशा वो उसी में मतलब निबद्धित रहता है, उसका लिमिटेशन उसी के अंदर में ही रह जाता है। तो वैसे जो लोग हैं उनको ज्ञानी बोला जाता है, और ये ज्ञानी मनुष्य है, और वो हमेशा कृष्ण के जो कर्म कहते हो कर्म हेतु वो युक्त रहते हैं, ऑलवेज गेट अटैच्ड टू कृष्ण। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम फिर 19 में देखते हैं, तो 19वां श्लोक हम पढ़ लेते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुधा। इसका मतलब यह है कि one who understood to be in full knowledge, whose every act is devoid of desire of the sense gratification, he is by sages to be a very worker, whose fruitive action is burned up by the fire of perfect knowledge। जिसको बोला जाता है ज्ञानाग्नि, ज्ञान युक्त अग्नि में वो दग्ध, दग्ध कर्मणां, इसका मतलब ये जो दग्ध मतलब जो जल चुका है, जिनका जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो भी ये था वो ऑलरेडी जो भी रिएक्शन था वो ऑलरेडी ज्ञानाग्नि में दग्ध हो चुका है। इसमें देखते हैं कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यही दो वर्ड है, समारंभ एंड काम संकल्प वर्जिता। तो इसमें काम रूपक जो उनका जो दृढ़ता है वो उसको मतलब काम रूपक जो कामना जो है उनको दृढ़ रूप से वो वर्जन कर चुके हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम अगले दिन भी हम लोग पढ़े थे चतुर्वर्ण माया सिस्टम पूर्ण कर्म विभाग से, तो उसमें क्या है कि इसमें जो चतुर्वर्ण में हम है, हम कल भी डिस्कस किए थे, परसों भी डिस्कस किए थे, चतुर्वर्ण जो है इसमें क्या है, ब्राह्मण जी है, ब्राह्मण जी को इधर क्या बोलते हैं, तमाहु पंडितं बुद्धा, ब्राह्मण को पंडित बोला जाता है। वैसे भी हमारा देश में बहुत ही रेस्पेक्टफुली सबको लेना हमारा संस्कार है, तो हम लोग पंडित जी बोलते हैं, मतलब जैसे ब्राह्मण को पंडित जी बुलाते हैं, और जो क्षत्रिय हैं उनको हम ठाकुर या फिर जैसे साहेब इस टाइप का, या फिर इसको राजा को तो राजा ही बोला जाता है, तो नरपति बोला जाता है। ये सारे चीजों सम्मान पूर्वक कैसे किसी को संबोधन करें, जैसे कि हम लोग जो वैश्य हैं उनको सेठ जी बुलाते हैं, और जो शूद्र है
उनको चौधरी जी बदलाते हैं। तो ये सारे सम्मान पूर्वक सबको एड्रेस करना, सबको संबोधन करना, ये हमारा संस्कार का अंग है। यही थे तो आर्यवर्त का संस्कार यही है। तो इसमें देखिए सारे चीज जो है, किसी भी गुण कर्म में हम लोग रहे, जैसे कि अपना गुण कर्म हेतु जो विभाजन किया गया है, जो चतुर्वर्ण बनाया गया है, वो भगवान खुद सृष्टि किए हैं, चतुर्वर्ण माया सिस्टम। इतना मतलब तो सारे लोगों को एक ही कर्म में एंगेज होना पड़ रहा है। जैसे कोई भी, जैसे कि भगवान का कोई प्रसाद बनाए, कोई भगवान को सुसज्जित करने हेतु एंगेज रहे, या फिर कोई भगवान का जो प्रसाद बन रहा है उसमें मतलब जो बर्तन है उसको मांजने की काम करे, वो सारे चीज क्या होता है, वो दिव्य होते हैं। और वो सारे चीज में जो एंगेज रहते हैं वो समान रूपक, मतलब भगवान की सेवा है तो कि वो कितना एंगेज है, कितना युक्त है, कितना परसेंटेज में युक्त है उनका, या पूरा समर्पण भाव कैसा संपूर्ण है, या फिर कितना लेवल में है, वो सारे को लेकर के सारे लोग समान कर्म करते हैं। कोई मुख के सेवा करता है भगवान का, तो कोई कमर का सेवा करता है, कोई बाजुओं का सेवा करता है, या फिर कोई पाद का सेवा करता है, उनका चरण कमल जो है उनको चरण कमल को तो अति पवित्र माना जाता है। जैसे कि अभय चरणारविंद भज मुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, इसका मतलब है उनको पाद कमल को हमेशा ऊपर रखा जाता है। जो भक्त लोग हैं वो हमेशा चरण कमल के प्रति ही निबद्ध रहते हैं, और वो हमेशा के उधर कैसे क्या सेवा में हम एंगेज रहे, तो इसीलिए उनका चरण कमल में ही जाकर के भक्ति लता जो है वो जाकर के भगवान के चरण में ही पहुंचता है। तो भगवान का चरण को अति पवित्र माना जाता है। ऐसा कहीं कतई कहीं जगह पे यही संदेश नहीं लिखा है कि जो चरण का सेवा जो करता है, जिनको शूद्र उनका मतलब अक्षा हम लोग परसों डिस्कस कर रहे थे, तो कतई काम नहीं है, या फिर जो बुक की सेवा करता है वो सबसे ऊपर है, ऐसा कोई ऊंचा नीच नीच का भेदभाव यहाँ रखा नहीं गया है। चतुर्वर्ण महासिस्टम का यही महत्व है कि सारे समान हैं, और कोई भी जो भी गुण कर्म हेतु कोई भी कुछ भी सेवा करे, लेकिन उसमें भगवान का सेवा कितना दृढ़ता है, कितना मतलब दृढ़ निश्चित होकर के, कितना योग युक्त होकर के करता है, उसके ऊपर में वो सारे चीज डिपेंड करता है। लेकिन इसमें क्या करता है, यहाँ लिखा है जो जिससे सर्वे समारंभा कर्म संकल्प वर्जिता, मतलब समारंभ का मतलब क्या है, जो अटेम्प्ट कर चुके, जो एंडेवरिंग करना चाहते हैं, कुछ कुछ प्रयास करते हैं, तो उसको बोला जाता है समारंभा। तो इसका मतलब है ये जो काम है, ये काम संकल्प वर्जिता, काम क्या है, कामना है। ये जो बिजनेस करता है वो क्या करता है, मेरे को कैसे प्रॉफिट होगा, उसी में हमेशा वो चिंता में रहता है, भले ही दूसरों को नुकसान हो जाए, वैसा उसी चिंता में रहता है मैं कितना। जैसे भी कुछ बिजनेस एग्रीमेंट बन रहा है, प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कोई बिजनेस एग्रीमेंट अगर बनता है तो उसमें क्या है कि मेरे को क्या प्रॉफिट रहेगा, मेरा जो है जो दोनों पार्टियां हैं ये सोचते हैं कि मेरे को क्या बेनिफिट, कितना बेनिफिट, हाउ मच फेवरेबल फॉर मी from my side, how much favorable it will be. So, मेरे को क्या फायदा उसको मिलेगा, मेरे को कितना फायदा मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और क्या क्या बेनिफिट रहेगा, ये सारे उसमें वो सोचता रहता है। और जो 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 जैसे इसके गृहस्थ है, गृहस्थ भी जो आजकल है या फिर जो समाज में जो चलते हैं, उसमें क्या है कि इसको प्रभुपाद बोलते हैं कि दाम्पत्य रति रे वही, इसका मतलब है कि दाम्पत्य मीन्स जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसको एग्जिस्ट दिस इन द एज ऑफ कली ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ सेक्स लाइफ। तो ये जो डिस्टर्बेंस, वंस अगर ये सेक्स लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया उसमें डाइवर्स आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें काम है। इसको इस तरह जो बताया गया है कि काम संकल्प वर्जित, तो ये जो काम है उसमें ये एंगेज रहता है,
और जो बिजनेस करता है वो भी वही काम में रहता है। तो सारे चीज मतलब जितना भी हमारा एक्टिविटीज है वो क्या है, अल्टीमेटली हमेशा जा करके ये हमारा जो प्रॉफिट और या फिर जो फ्रूट है या फिर वो डिजायर इसीलिए रहता है कि हमको क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन जो इंद्रिय तृप्ति है उसमें कितना लेवल में कितना 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 मिलेगा, तो उसमें ये हमेशा एंगेज रह जाते हैं। तो नॉर्मली लोग यही करते हैं, कुछ काम क्यों करते हैं कि उसमें कुछ फायदा मिलेगा, कुछ तो फायदा मिलेगा, जैसे कि कुछ इंद्रिय तृप्ति वही जो भी फायदा मिलेगा अल्टीमेटली इंद्रिय तृप्ति में ही लगता है, जो आहार निद्रा भय मैथुन जो है उसी में एंगेज रहते हैं। तो पशु भी समाना बोला गया है, तो ये हमेशा जो भी काम करते हैं उसी में एंगेज रहते हैं। इसको इसीलिए इसको काम इसका मतलब है जो डिजायर है और लस्टी डिजायर मेनली इसको लस्ट ऑन एवरी अटेम्प्ट जो जो भी समारंभ है मतलब जो भी प्रयास करते हैं उसमें हमेशा लस्टी डिजायर ही होता है। ये सारे लोगों का ये मेन है, इसीलिए इसको इधर प्रभुपाद क्लियर करते हैं कि जो कामनाएं हैं तो इसको कैसे मतलब इसको कैसे टाला जाए। तो मेन आइडिया क्या है, ये काम संकल्प विवर्जित ये जो सेंसेस है हमेशा सेटिस्फेक्शन ऑफ द सुप्रीम में रहना चाहिए, लेकिन हाँ जो भी लोग काम करते हैं क्या करते हैं कि अपना खुद का सेंसेस कैसे सेटिस्फाई हो, इसीलिए इसको काम बोला गया है। तो एक्चुअली जो सेंसेस है वो सेंसेस का भी मालिक कौन है, सेंसेस का भी मालिक है भगवान है, तो इसीलिए सेंसेस को भी भगवान का सेवा में लगाना है। हम अगले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो मतलब भगवान के हम कान में सुनने हेतु कैसे भगवान का गुण रूप लीला का वर्णन ही सुने, भगवान का रूप आंख के थ्रू देखें, मुख में हमेशा उन्हीं के रूप गुण लीला वर्णन में लगे रहे, हमारा जो स्पर्श इंद्रिय है वो कैसे मतलब का जो भक्त है उनको आलिंगन है तो खर्च मतलब यूज किया जाए, या फिर हमारा पाद जो है वो कैसे हमेशा उनका तीर्थ भ्रमण में लगे रहे, और मन है जो हमेशा उन्हीं के जो डिजायर है उसमें ना तो काम आया, इसका मतलब है उन्हीं का जो सेवा है तो हमेशा एंगेज रहे। तो ये जो सेंसेस है सेंसेस का भी मालिक वही है, इसीलिए सेंसेस शुड बी यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज सेंसेस, इस मतलब उनका जो डिजायर है उनका जो प्लेजर है तो उसी में एंगेज रहना ही है, क्योंकि मालिक तो वही है। अगर हम किसी के घर में अगर बावर्ची का काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम कुछ मालिक के लिए कुछ बनाए और जैसे कि चावल दाल या कुछ सब्जी बनाया या फिर चने का सब्जी या फिर कुछ भी बना दिया, और लेकिन हम जब खाने खाएंगे तो उससे क्या करेंगे, हम थोड़ा अपने लिए अलग से पनीर बना के खा लेंगे, वो तो क्या होता है, वो चर्जो दोष लगता है, मतलब चोरी का दोष हमको लगता है, क्योंकि जो जिस प्रॉपर्टी का मालिक है सारे चीज तो उन्हीं को अर्पण करने हैं। हाँ वो अगर हमको प्रसाद है तो या फिर जो उनका उचिष्ट है तो या फिर कुछ ऐसे बचा हुआ जो हमको वो ग्रांट करके हमको दे दें तो हम उसको लेना ही कर्तव्य है, लेकिन अगर हम उनसे कुछ ज्यादा ही ले लें या फिर हम खुद के लिए कुछ बचा के रखे, हाँ ये इतना तो मेरे लिए बचा के रखना है मैं खाऊंगा, तो इसके दिमाग में क्या होता है कि दिमाग में होता है कि ये मेरा है मैं ही इस चीज का मालिक हूँ, जो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि वो शास्त्र में बताया गया कि सारे चीज जो है मत सर्व प्रवर्तित है, इसका मतलब यही है कि सारे चीज जो सृष्टि उन्हीं का हुआ है तो मालिक तो वही है ना, तो मालिक जो है उनको सारे चीज अपर कर देना है, थोड़े ही वो उसको जो ग्रॉस मैटर है उसको लेते हैं, उनका शरीर है सच्चिदानंद रूप वो क्या करते हैं उसमें जो भाव है पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी भक्त प्रदर्शित है, इसका मतलब है जो भक्तिपूर्ण भाव में जो मेरे को अपर करते हैं उसमें से जो स्नेह है उसमें जो प्रेम है उसमें जो प्यार है उसमें जो भक्ति है उसी को वो भगवान आस्वादन करते हैं। तो बाकी जो बचे प्रसाद के रूप में, प्रसाद का मतलब क्या है, इनका कृपा जिसमें भरा हुआ है,
है तो वो अत्यंत स्वादिष्ट और पवित्र हो जाता है उनको ऑफर करने के बाद में, उनका स्पर्श हेतु हो जाता है। और भगवान यहाँ इंटरेस्टिंग है कि अस्नामी प्रयतात्मना, इसका मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं उसको ग्रहण करता हूँ, मैं खाता हूँ। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि अब भगवान अगर सब खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, इसीलिए भगवान अगर खा जाते तो हम तो ये दुनिया में ये जो प्रसाद भगवान को फल फूल जो भी प्रसाद अर्पण करने वाला चीज वो नहीं रहता। ये तो मूर्खता की बात है, क्योंकि भगवान थोड़े ना हमारे जैसे हैं, हम लोग जैसे लालयित होते हैं, हमारा जिह्वा जैसे हमेशा लेलियान शिखा बना के बैठा है कि ये खाऊं वो खाऊं इसका स्वाद ग्रहण करूं उसका टेस्ट मुझे चाहिए, ऐसा वैसा नहीं है। कि उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह सच्चिद आनंदमय है, उनका शरीर उसमें बना है। ये थोड़े ना हमारा जैसा ग्रॉस मटेरियल सेंसेस है, गंदा जिसको बोलते हैं ना, ये सेंसेस जो है इतना पोल्यूटेड हो चुका है, इसको गंदा बोलना भी कोई गलत बात नहीं है कि हमेशा मतलब कैसे खुद का मतलब स्वार्थपरता वो सेंसेस में हमारा रहता है, वो जो इंद्रिया है हमेशा कैसे वो खुद एंजॉय करे उसके लिए मतलब ललायित रहते हैं, तो वो चीज भगवान के नहीं है। तो इसीलिए भगवान क्या बनाया है, भगवान कौन है, हम कल भी डिस्कस किए थे, परसों भी किए थे, जैसे कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि भगवान जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो ये अगर कोई अगर जो भी काम करता है, इसमें काम को भी मतलब डिस्कस किया गया है कि जो भी काम करता है, जैसे कि कोई अगर इस्कॉन है, इस्कॉन का कोई डिवोटी म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में जाता है, वो क्यों जाता है, वो क्या किस लिए जाता है, कि हमको यहाँ एक मंदिर बनाना है और वो वहाँ हमको ये एरिया टेक ओवर करना है, उसमें हमको सहयोग कैसे मिले, उनसे परमिशन के लिए जाता है, क्या मंदिर बनाने हेतु तो सैंक्शन लेने जाता है म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में। लेकिन जो दूसरा लोग जाता है वो क्या जाता है, वो स्क्राइबर बिल्डिंग बनाने है तो उसमें जाता है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यद्यपि ये दोनों सेम दिखते हैं मतलब समान दिखते हैं, तो लेकिन उनका जो भाव है, उनका जो नजरिया है, जो जा रहा है कि खुद स्क्राइबर बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें से बहुत सारे फ्लैट बना देंगे, बहुत सारे प्लाट बना के क्या करेंगे, सब सारे आदमी को 1 करोड़ 2 करोड़ में सब बेच देंगे, उसमें से बहुत प्रॉफिट होगा, तो मेरा मर्सिडीज कार आ जाएगा, उससे भी और पैसा बढ़ता ही जाएगा, फिर वो क्या करेगा अल्टीमेटली, तो जो नाइट क्लब में जाएगा, दारू पिएगा और इलिसिट सेक्स में एंगेज होगा, विभिन्न लड़कियों के साथ डांस करेगा। लेकिन जो डांस करने वाला चीज है उसमें कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए अब हम जहाँ मंदिर में जाते हैं तो वहाँ कीर्तन हो रहा है, तो भव्य कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ हम लोग डांस करते हैं, तो ये डांस जो करना कितना वो क्या होता है, दिव्य हो जाता है, उसमें जो कर्म है, जो काम नहीं मतलब कामना रहित तो हो जाता है, तभी तो हम उसी में भगवान के सामने उनकी प्रीति हेतु, उनकी खुशी, उनका जो प्लेस मिले उनको, उसी के हेतु हम लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। लेकिन इधर देखिए इतना पैसा कमाया, वही काम कर रहा है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में गया परमिशन लेने के लिए कि हम स्काईक्रॉपर बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डर है, तो उसमें से काफी पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं हाँ इनको 1-2 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको 50-60-100 करोड़ तक भी वो लोग प्रॉफिट कर लेते हैं। ये सोचिए आप, इतना करने के बाद वो करेगा क्या, तो चावल तो उतना ही खाएगा और रोटी 2 ही खाएगा, और अगर वो ज्यादा टेंशन में है, उसको ब्लड प्रेशर और क्या बोलते हैं शुगर की डिजीज हो चुका है, तो वो क्या करेगा, वो तो सिर्फ मतलब पपीता का जो मतलब उबला हुआ जो सब्जी है वो थोड़ा सा ही खाएगा, उसको डॉक्टर ने बोल रखा है आप अगर उसको ज्यादा खाएंगे तो आप फिर पूरा ऊपर चले जाएंगे, मेरे पास आने की और नौबत ही नहीं रहेगी, तो ये चीज है। तो इसीलिए जो सेम दिखते हैं, तो दोनों चीज दोनों काम सेम दिखते हैं, लेकिन ये जो उसमें जो भावनाएं होते हैं, जो जो रियली जो जो काम संकल्प वर्जित है,
जैसे कि कोई अगर जा रहा है म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में मंदिर बनाने के लिए परमिशन है तो वो भी दौड़ता है, हर रोज दौड़ता है, भाई सर मेरा ये नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो लेकर के देता है, वो वाला डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट, सारे चीज वो दौड़ता रहता है। कितना वो उतना ही कष्ट कर रहा है जो एक बिल्डर करता है, है? तो देखिए सेम हैपनिंग हो रहा है, लेकिन ये होता है काम संकल्प वर्जित, जो भगवान के मंदिर बनाना है तो जो कितना पुण्य कार्य काम है, भगवान कितना खुश होंगे उसमें कि कोई अपना खुद का घर तो सर लोग बना रहे हैं, लेकिन ये आदमी ऐसा है ये मेरा घर बनाने हेतु कितना भागता है, कितना कष्ट करता है। तो थोड़े ना भगवान, भगवान सबका हृदय में रहते हैं, भगवान सबका हृदय में रहते हैं, तो इसीलिए उपदेष्टा हनुमंता बोला गया है 13.13 में। तो इसका यही है कि भगवान हमेशा सोचते हैं हाँ ये मेरा जो बच्चा है, क्योंकि अहं वज्जपत पिता, इसका मतलब क्या है कि हम लोग उनका संतान है, पिताजी कभी खुश हो जाते हैं, ऐसे मतलब भगवान भी खुश होते हैं कि ये देखिए मेरे लिए कितना कष्ट करके मेरा घर बनाने हेतु कितना कष्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम ब्राह्मण जैसा बिहेव करे या हमारा गुण कर्म हेतु है तो ये, या फिर हम क्षत्रिय जैसे बिहेव करे, या फिर शूद्र जैसे बिहेव करे, या वैश्य जैसे बिहेव करे, तो ये जो काम जो संकल्प वर्जित, काम राग वर्जित, ये सेम चीज है। तो ये नॉट फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट, हमारा जो खुद का स्वार्थ है तो कोई चीज नहीं करना जो है, इसको बोला जाता है काम संकल्प वर्जित। जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रोप्राइटरी टर्न शैंड इन टू द गोल्ड, इसका मतलब है क्या है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक प्रोप्राइटर हूँ, प्रोप्राइटर शिप का बिजनेस में कर रहा हूँ, तो उसमें जो काम जो कितना भी काम है वो मैं दिन रात लग पड़ के, मतलब कितना हार्ड काम करता हूँ, क्यों कि मैं जो बाली होता है, मतलब सैंड होता है, रेत होता है, तो रेत को मैं क्या करता हूँ सोने में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब इतना लेबर, हार्ड लेबर करके। लेकिन जो जो लोग कितना हार्ड लेबर करते हैं उसको डंकी बिजनेस बोलते हैं, प्रभुपाद हमेशा डंकी बिजनेस बोलते हैं, ये कितना मतलब गधा जैसा इतना काम करके, हार्ड लेबर करके क्या कितना कितना कमाता है। और जो इंटेलिजेंट होते हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, वो क्या बोलते हैं, अगर मैं इतना कष्ट करके इतना काम करूं, मेरा अगर इनकम हो जाएगा 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ हो जाएगा, तो उसमें से हुई मेरे इनकम टैक्स 30%, 40%, 50%, 60% वो ले जाएगा गवर्नमेंट, तुम ये काम क्यों करो, तो छोड़ देते हैं। तो इस टाइप का भी जो इंटेलिजेंसी, इस टाइप का भी काम करता है। तो ये सारी चीज जो कंप्लीटली रॉन्ग है, जो हमको सेवा करना है, जो भी काम करना है भगवान के प्लेजर है तो जो करते हैं उसमें काम संकल्प वर्जित, इसका मतलब कामना हेतु जो संकल्प होता है, जो काम का जो सारे लोग काम कर रहे हैं ना, क्या काम कर रहे हैं कि हमको कुछ फायदा मिले, हमारा कैसे पैसा मिले, ताकि हम अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोग्राम में निमज्जित रहे, तो उसमें जो होता है ये कामना का संकल्प सबका होता है, तो इसको वर्जन करना है। वर्जन है तो वही काम करेंगे, लेकिन भगवान के हेतु काम करेंगे, म्युनिसिपैलिटी में दौड़ेंगे, हर रोज दौड़ेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे ऑफिस का चक्कर काटेंगे, लेकिन भगवान का मंदिर बनाना है तो काटेंगे। ये देखिए ऐसा नहीं है कि जो इनकम है ये नहीं कर रहे हैं, जो इस्कॉन का जो भी डिवोटी है या फिर जो भक्त लोग है वो इनकम नहीं करते, लेकिन वो जो इनकम करते हैं उनके पास भी कार है, उनके पास भी प्रेस है किताब छापने के लिए, लेकिन किताब जो मटेरियल नॉलेज के लिए छापते नहीं है, वो सिर्फ भगवान का प्रीति है, तो जो भगवान का जो वाणी है, भगवान का जो प्रीति मतलब प्रीतिपूर्ण सेवा है, तो जो चाहिए, जो शास्त्र चाहिए उसी को छापते हैं, ताकि उनका गुण रूप का फिर प्रचार प्रसार हो। तो देखिए सेम जो प्रेस है वो कैसे काम कर रहा है, और जो उनका पास क्या गाड़ी नहीं है, गाड़ी है लेकिन वो गाड़ी कैसे यूज होता है कि भगवान का सेवा है, तो क्या क्या सामान बाजार से लाएंगे, तो वो या फूल के दुकान में जाएंगे, या फिर फल के दुकान में जाएंगे, या फिर चावल दाल लेने हेतु जाएंगे, या फिर कीर्तन करने हेतु किधर प्रोग्राम करना है वहां जाएंगे, तो ये सारे चीज क्या होता है, काम संकल्प वर्जित। तो
सेम इनकम वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ जो डिवोटी लोग हैं वो हमेशा लगे पड़े रहते हैं, वो भी भिक्षा करते हैं। भिक्षा किस लिए करते हैं? हम तो खुद के लिए कभी एक पैसा भी किसी को नहीं मांगा, लेकिन हम भगवान के सेवा है तो जाकर के दर दर भटकते हैं और सब लोगों को हाथ दिखाते हैं, भाई कुछ दे दो, इसमें भगवान का ये जन्माष्टमी आ रहा है, या भगवान का के लिए ये सत्संग केंद्र बनाना है, या फिर भगवान के सेवा है तो उनके फूल सेवा जो है उसको हम कर पाए, मेरा तो इतना औकात नहीं है लक्ष्मी का, तो आप थोड़ा ही कुछ प्रदान कर दें ताकि लेकर के मैं उसको एंगेज कर सकूं। देखिए भिक्षावृत्ति वही करते हैं हम, मतलब जो भिक्षुक होते हैं वो करते हैं, लेकिन ये भक्त लोग जो है वो भी भिक्षा करते हैं, साधु लोग वो भी भिक्षा करते हैं, लेकिन ये क्यों भिक्षा करते हैं कि भगवान का प्रतिविधान हेतु करते हैं। कष्ट पे लग जो भले ही आप देखिए कितने बड़े बड़े भक्त हैं जो मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, तो वो कितना बड़ा मालिक है, कितना बड़ा कार कंपनी का मालिक है, उतना तो हर मिनट पे करोड़ में इनकम होता होगा, वो भी फिर जा करके भिक्षा करते हैं, तो किस लिए करते हैं? ये भगवान के प्रति वांछा है तो करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि काम संकल्प वर्जित, जो काम करते हैं उसमें उनका मतलब ये जो काम कामना है तो नहीं करते हैं, जो कामना का संकल्प है उसको पूरा त्याग चुके हैं, तो ये क्या करते हैं, हमेशा अकर्म की स्थिति में रहते हैं। भगवान का प्लेजर है तो जो सेवा है, इधर और ज्यादा क्लैरिफाई इसको किया गया है। अगर हम श्रीमद् भागवत का 5.5.8 देखें तो वहां क्या लिखा है, पुंस स्त्रिया मैथुनी भावम एताम तरवयर एताम तयोर मैथो हृदय ग्रंथिम अधुहु। इसका मतलब है जो ये जो जब जो मैरिज सेरेमनी होता है जो क्या करते हैं उसमें क्या है कि जो उसमें जो हमारा जो संस्कार है उसमें रिचुअल से अगर मैरिज होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आदमी बहुत रेस्पॉन्सिबल बन जाता है, क्योंकि मेरे को ये घर गृहस्थी चलाना है ना, तो इसीलिए मेरे को जाकर के लेट नाइट में वापस नहीं आना है, क्योंकि वाइफ घर में है उनका भी केयर लेना है, ये और ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कैसे चलाना है, उसको जो खर्चा है हमको ही उठाना है, ये जो फैमिली अफेक्शन होता है ये कितना अच्छा होता है, तो उसको उसको धीरे धीरे मतलब वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। इसीलिए तो शादी करने हेतु ये संस्कार जो हमारा देश में भी है, कोई अगर इधर उधर घूम रहा है कुछ काम नहीं कर रहा है या फिर जो भी मतलब पंगा जैसा घूम रहा है तो उसको क्या करते बोलते हैं कि समाज में उसको लेकर के शादी कर दो वो ठीक हो जाएगा, ये भी एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। वो धीरे धीरे आदमी का क्या होता है जो जिसका मैरिज हो गया वो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है और जिसका मैरिज नहीं हुआ वो इरेस्पॉन्सिबल ही रहता है। इसीलिए बोला गया है जो साइकोलॉजी क्या है, ये तो मेन है लस्टी डिजायर, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल लाइफ ये बन चुका है ऑलरेडी। व्हेन वन बिकम्स फ्री फ्रॉम द लस्टी डिजायर इसको बोलते हैं काम संकल्प वर्जित, इसका जो कामना है उसको अगर वो अगर छूट चुका है और जो काम कर रहा है, पिछला जो श्लोक में है यही से जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, तो यही यही है उसका मतलब सिम्टम यही है। अगर और दूसरे जो है वो क्या करते हैं बहुत ही कष्ट काम करते हैं क्योंकि उनका लस्टी डिजायर होता है मैं एंजॉय करूं, मैं बहुत से हार्ड एंड लेबर करूं, बहुत सारे ढेर सारा पैसा कमाऊं और मैं एंजॉय करूं, मेरा वाइफ एंजॉय करे, मेरा चिल्ड्रन एंजॉय करे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन एंजॉय करे, उनके ऊपर में थोड़ा उसके ऊपर में भी सोचते हैं कि हाँ मेरा कंट्रीमैन भी एंजॉय करे, मेरा सोसाइटी एंजॉय करे, मेरा देश पूरा एंजॉय करे, उसके लिए मैं काम करता हूँ। लेकिन ये सारे लस्टी डिजायर इसको यहाँ बताया गया है, जो देश के लिए भी काम करता है वो भी लस्टी डिजायर है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा देश एंजॉय करे, तो वो सही नहीं है। वो जो एंजॉयमेंट है उसको यहाँ पूरा माना गया है, एंजॉयमेंट एक्चुअली सही नहीं है। एंजॉय करने वाला एक ही आदमी है, भोक्ता राम जग्य तपस्या, इसका मतलब है भोक्ता कौन है, भगवान है।
तो भगवान ही केवल एंजॉयर है, हम लोग सारे प्रकृति का अंश है, उनका एंजॉयमेंट हेतु हमको बनाया गया है। तो हमारा जो ना हम खुद का एंजॉय करेंगे ना सेल्फिश इंटरेस्ट को एक्सपांड करके, जैसे कि हमारा टोटल परिवार और टोटल सोसाइटी ये टोटल है, सारे सब लोग एंजॉय करें, तो इसको जो है उसको छोड़ देना चाहिए। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो सिम्टम बन चुका है ये, इसको छोड़ देना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि काम संकल्प विवर्जित। और कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है इसमें क्या होता है कि यही मतलब उसमें जैसे कि कोई लैंड एक्वायर किया जाता है, उसमें भी बिल्डिंग बना जाता है, वो भी मतलब भिक्षा करते हैं, मनी मतलब पैसा भी चाहिए उसमें। देन प्रभुपाद बताते हैं, वी आर ऑल्सो रनिंग आफ्टर द बिजनेस, बट आवर बिजनेस इज कैसे भगवान के प्रति विधान हो। तो ये देखिए, प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा कितना एक्सपांड किया है उसको, कि उसका फल हमको आज तक भी मिल रहा है। 1966 में इसको उनको बनाया, लेकिन उसमें जो प्रचार प्रसार ऐसा हो रहा है, इतना एक्सपांड कर रहा है, क्योंकि उसमें जो लोग आए, उसमें जो अंग्रेज आए या फिर भारतीय भी आए, जो भी देश का भी जो भी व्यक्ति आए, वो कैसे मतलब खुद का सेल्फिशनेस छोड़ के वो क्या करते हैं, हमेशा एंगेज रहते हैं, कैसे मतलब ये भगवान के सेवा हो, उसके लिए वो पैसा नहीं लेते हैं, उसमें तनख्वाह नहीं लेते हैं, फ्री में वो सारे अपना धन संपत्ति फैमिली उसको छोड़ के दौड़ते हैं, क्योंकि उसमें उनमें भगवान का प्रति विधान हो। अगर भगवान खुश हो गए तो हम भी भगवान का, जो भगवान अगर पेड़ है तो हम भी एक पत्ता है, या फिर हम एक छोटा एक छोटा सा सेल है, उसी उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है, तो उनको अगर खुशी मिलता है, हमको जो दिव्य खुशी है, सुख है, वो भी मिलता है, तो हम लोग कहते हैं हाँ ये ही है मतलब श्रेष्ठ पंथा। अगर भगवान खुश हो जाए तो हमको कितना खुशी मिल रहा है। तो इसीलिए वो कष्ट करने को भी वो कष्ट नहीं करते हैं, कि जैसे कि विदुर को भगवान ने भेजा था, जाकर के आप देख के आओ इनका स्थिति क्या है, जो गोपियों का स्थिति क्या है, राधा रानी का स्थिति क्या है। वो लोग गए वृंदावन, जाकर के फिर पहुंच गए ब्रज में पहुंच गए तो देखे, उनको समझाए, क्योंकि वो तो ज्ञानी हो चुके थे, कि विदुर को पता था कि यही है भगवान, कृष्ण है भगवान। तो वो बताते हैं, भैया मुझे आप क्यों भेज रहे हैं, मुझे ये काम में क्यों, आप खुद कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं उनके पास में इतना ऋणी हूँ, ब्रज गोपियों के पास में मैं इतना ऋणी हूँ, मुझे डर लगता है उसको, मेरे को धीरे धीरे भय लगने लगा है उनसे, तो आप थोड़ा जाओ उनको समझाओ। तो ये गए, जाकर के फिर वो गए तो बोले कि मतलब एक खत लेकर के गए, वहां जाकर पहुंचते हैं तो देखते हैं ब्रज गोपियों ने उनको देख के दौड़ के आते हैं, हमने हमारे लिए कान्हा ने क्या भेजा है, क्या लिख के भेजा है, मतलब वो चिट्ठी पूरा मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उस एक एक टुकड़ा को लेकर के उनके आंख में आंसू आ जाता है। इसको देख के विदुर अचंभित हो जाता है, ये क्या भाव है, और वो जो उस दिन ये आशुतोष प्रभु बता रहे थे, कुछ चरण का धूली जो चाहिए था वो कैसे ये लोग सब पैर आगे कर दिए थे। तो देखिए, खुद भी कितना कष्ट सहे, जो ये जो मतलब समर्पण भाव है, जो खुद को सौंप देना की जो सुख है, वो कितना उन्नत होता है। और ये जाकर के जब गोपियों से विदुर जी पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका मन में जो विरह का जो पीड़ा है, आप ये कुछ क्यों सहते हैं, ये बेकार की चीजें हैं, इसमें कुछ नहीं है, आप इसको बेकार में सोच रहे हो, वो तो वहां जा करके अपना वो खुश में है, खुशी है उनको, वो अपना काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचते 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 क्यों इतना मतलब मरुम हो जाते हैं, और इतना आप विरह पीड़ा में इतना कष्ट क्यों पाते हैं, उसको क्यों फायदा नहीं है, आप ये मत करो। तो राधा रानी उनको बताते हैं कि इसमें आप क्यों बोल रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम दुख में नहीं है, यही जो विरह का पीड़ा, आप कभी प्यार करके देखो तभी जानोगे कि इसमें कितना सुख मिलता है। तो यही है ना,
जो भगवान के लिए जो दुख दुख जो दिखाई पड़ता है, दूर दूर बाकी लोगों को दिखाई पड़ता है, तो उसमें कितना सुख है वो जो करता है उसको पता चलता है, जो ना करके फिर दूर से देखता है और आलोचना करता है उसको कुछ समझ नहीं है। तो उसको करना, जैसे कि मधु कितना स्वीट है, जो हनी होता है वो कितना स्वीट है, अगर हम उसको खोल के देखें, जाकर के खरीद के उसको स्वाद लें, तभी बता पाएंगे कि ये मधु जो है या महु जो या फिर इसको हनी बोलते हैं वो कितना स्वीट होते हैं, उसका टेस्ट किस फ्लेवर कैसा होता है। अगर ऐसा खाली खुद भी बता दिया हाँ स्वीट तो है भाई, उसके लिए क्यों जाएंगे भाई, उसमें क्या ज्यादा रखा है, बहुत सारे चीजें हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है जो मधुमक्खी है वो जाकर के दूसरा गंदा चीज में नहीं बैठते हैं। इसीलिए ये जो छोटी लोग होते हैं उसको मधुमक्खी के साथ में तुलना किया गया है, ये जाकर के कोई भी गंदा चीज जो है कामना है तो काम चीज जो है उसमें नहीं लगेंगे, उनको हमेशा जो निष्काम या फिर जो उसको बोलते हैं जिसमें कामना रहित है, या फिर जो यही हमने इधर आज संकल्प काम संकल्प विवर्जित ये उनको डिस्कस कर रहे हैं, और जो वो चीज वो लेवल में जा चुके हैं वो एक्चुअली बहुत ही ज्ञानी होते हैं। क्या करते हैं यहाँ जो जो भक्त लोग हैं वो जीवन को सैक्रिफाइस कर देते हैं पर कृष्णा दिस इज पर्सनल 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 जो उसमें अपना खुद का जो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ही नहीं है, वो नाइदर वो पेमेंट लेते हैं ना अदरवाइज कुछ भी करते जो मूवमेंट है करते हैं। सो इसीलिए जस्ट लाइक तो अगर जो 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 सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसको जो जो मतलब करते हैं तो उसमें उनको सिर्फ कामना बोला गया है, और जो ग्रेटर इंटरेस्ट जो जो सेल्फ जो ग्रेटेस्ट सेल्फिश इंटरेस्ट इज कृष्णा, भगवान खुद हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं, अगर उसमें है नाते बिदु तथा गति ही विष्णु, इसका मतलब है जो 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 ग्रेटर इंटरेस्ट है तो हम लोगों को जाकर के ये जो उसमें पहुंचना है दैट इज एंड वो ही है मतलब वासुदेव सर्वम इति, इसका मतलब है यही मतलब जो जो महात्मा होता है और जो जो कामना रहित होते हैं इसको बोला ओ नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदंते, यहाँ ज्ञानी का भी जिक्र किया गया है, पंडित का या बुद्धिमान का जिक्र किया गया है, वही होते हैं जो जानते हैं कि वासुदेवम सर्वमीति सब महात्मा सुदुर्लभ, तो ये बहुत ही रेयर होते हैं। तो टाइम हो चुका है, हम इसको वाइंड अप के तरफ देना है। और प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण यहाँ क्या बताते हैं कि कृष्ण को हमारा जो जीव को जो चाहिए हम वो मतलब क्या करते हैं कि इस तरफ भगवान का ये श्लोक का जिक्र किया गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तो जब में भक्ता प्रदर्शित, इसका मतलब है जो भगवान ने इतने सारे चीज हैं फिर भी हम लोग क्या करते हैं जाकर के ये जो मीट इटिंग करते हैं स्लॉटर हाउस बना रखे हैं, तो भगवान ने अगर उसको लेने का मतलब लेना है तो भगवान वो चीज बताते हैं ना, भगवान क्यों बताए कि पत्रम पुष्पम फलम तो मतलब ये जो चीज है तो इसीलिए हमको शाकाहारी बनना है, तो भगवान यहाँ इसको भी बताए हैं। और ये जो मनुष्य का जीवन है उसको भी यहाँ हाईलाइट किया गया है, मनुष्य का जीवन जो है बहुत दुर्लभ होता है एंड इसी इसको हम लोग जो यूजलेस कर्म है जैसे कि कैसे कैसे हम लोग ये जो 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 एंगेज के होते हैं बहुत सारे मतलब कठिन परिश्रम करेंगे लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे ऐसा काम में एंगेज हो जाएंगे जो मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे और क्या करेंगे दारू पिएंगे वो सारे चीज जो करेंगे जितना भी पैसा हमारा पास है इसको बोला है मृत्यु सर्प हरत हरश्चरम,
इसका मतलब क्या है, इसके जो जो भगवान ने ऐसा चीज मतलब है, कृष्णा ही मृत्यु है, तो वो जब आ जाएंगे तो क्या होगा, वो सारे चीज हरण कर लेंगे। तो आप कितना भी स्काई का बिल्डिंग बनाओ, कितना भी फैमिली को आपके पास है, स्त्री धन है, पुत्र कन्या रत्न है, या फिर कार है, जो भी है, सारे चीज आप खो दोगे। इसीलिए उसमें ये चीज में कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन और ये चीज है कि इसको अब मृत जन्म हुआ है तो मृत्यु तो है, हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन भगवान खुद बताए देहांतर तथा देहांतर प्राप्ति, इसका मतलब है जो देह का अंतर होता है, चेंज ऑफ दिस बॉडी, चेंज ऑफ, अगर बॉडी चेंज हो गया तो हमको थोड़े ना पता है हम कौन सी देश में, कौन सी जगह में, कौन सी रूप में, कौन सी जीव जंतु के जोनी में कैसे पैदा हुए। तो ये सारे चर्च अनर्थ होता है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको ये जो कामना है इसको वर्जित कर देना चाहिए। कितना लेना चाहिए कि जितना हमारे शरीर को जरूरत हो तो उतना ही करके हम उसमें रहना है। तो इसीलिए ज्ञान है, तो जो उसी को ज्ञानी बोला जाता है जो ये सारे चीज को त्याग देता है, ये जो काम संकल्प वर्जित है उसी को ज्ञानी करता है। और जिनका जिनका ये जो कामना है, ये इसको बोला गया है क्या कि ज्ञान रूपक जो अग्नि है उसमें दग्ध हो चुका है, उसका जो कामना है वो ज्ञान रूपक इसमें अग्नि में आग में जल चुका है, तो वही एक्चुअल भगवान का शाश्वत सेवक होता है। और वो स्वरूप स्थिति जो है, आपको जानते हैं कि मैं पाटन पाषण हूँ, कृष्ण जीवर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। तो ये समझते हैं तो इनको ये जो उसी अभिधेय में उसी कर्म में रहते हैं जिनको संबंध ज्ञान है और अपना प्रयोजन या फिर गोल जो है पता है। हरे कृष्णा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो अगर कोई किसी का कुछ मन में कुछ प्रश्न है या फिर कुछ रियलाइजेशन व्यक्त करना चाहते हैं तो सकते हैं। एनी डिवोटी प्लीज। हरे कृष्णा। ये चित्त प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, भगवान प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। अब आप आज भी बहुत प्रैक्टिकल चीज बताए जो सबको फॉलो करना चाहिए। एक क्लास से जो कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्याम कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज तो बहुत ही पुण्यतिथि है, बहुत सारे जो ऑस्पिशियस वर्क्स है जो आज के इस पावन तिथि में सब संगठित हुआ है, तो आपका उसमें हमारा जो सत्संग है उसमें आपका जो क्लास रहा, एक मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि परपट में जो है प्रभुपाद महाराज जो लिखे हैं परपट में बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत छोटा मतलब उनका परपट है, लेकिन आपका जो डिस्क्रिप्शन था रिलेटेड सभी एग्जांपल्स देके स्पेशली जो एग्जांपल्स बहुत ही अच्छा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था मैं बोलूँगा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा व्याख्या आपने दिया। ये जो कर्म वाला जो सीरीज चल रहा है अभी, ये बहुत ही डीप है और मतलब एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा मतलब डीप नॉलेज होना चाहिए ये जो कर्म वाला से, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी गलत कोई समझ लेगा तो वो गलत इम्प्लीमेंट करेगा लाइफ में, क्योंकि इम्प्लीमेंटेड है तो सारे जो श्लोक जो सीरीज चल रहा है। तो पहले थोड़ा सा आज का दिन का जो महात्म्य है, अभी तो टाइम है थोड़ा, मैं आप लोगों को अगर परमिशन हो तो बोलता हूँ। ये हाँ, हरे कृष्णा। आज है प्रभुपाद महाराज ने आज के दिन सन्यास लिया था, सन्यास लीला में प्रवेश हुए थे वो, तो हम जैसे बौद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए तो सन्यास लीला में आज प्रवेश हुए थे, तो श्री
उसी तरह से ये भाद्रव मास है, तो प्रभुपाद महाराज जो सन्यास लिए उससे पहले उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत और सोसाइटी ठाकुर उनके सपने में आए, तो उनको बोले कि अभय वेक अप टेक सन्यास। तो उनको अभी गृहस्थ आदमी है, उनका बिजनेस भी पूरा मतलब ठीक से चल नहीं रहा है। जो इंस्ट्रक्शन पहला इंस्ट्रक्शन है कि यू प्रिंट बुक्स इन इंग्लिश, ट्रांसलेट शास्त्र इन इंग्लिश एंड प्रीच इन इंग्लिश, तो वो बुक के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि मैं कोई मेरा अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो मैं उससे कुछ प्रॉफिट करूंगा और उससे मैं बुक्स प्रिंट कर ट्रांसलेट करूंगा बुक्स प्रिंट करूंगा। लेकिन वो कुछ वो जम नहीं रहा था, उनका बिजनेस जम नहीं रहा था, तो इसलिए वो और इधर फैमिली भी है उनको भी टेक केयर करना है। तो उसी समय ऐसे एक डिफिकल्ट पोजिशन में उनके गुरुदेव आते हैं सपने में, उनको बोलते हैं कि अब संन्यास लीजिए, टेक संन्यास अभय टेक संन्यास। मतलब तब तक वो अभय ही है, मतलब वो उनका दीक्षा ये हरिनाम मतलब पहला इनिशिएशन हो गया है, बाकी संन्यास नहीं लिए। तो वो पूरा सपने को बोले नहीं नहीं ये सपने में है, गुरुदेव तो बोल रहे हैं, बोले कि इतना मेरा डिफिकल्ट पोजिशन है कैसे मैं संन्यास, एक गृहस्थ आदमी है। तो उनको कोई इमीडिएट आके गुरुदेव बोले कि आप संन्यास लीजिए, कोई ले सकता है क्या? तो वो पूरा मतलब परेशान हो गए वो वाला जो ये सुन के गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन। फिर गया ऐसा एक बार नहीं, मतलब बहुत बार हुआ कि गुरुदेव उनके सपने में आए और उनको बोले कि अब है टेक संन्यास। फिर वो इसके बारे में उनके जो गॉड ब्रदर है उनको बताते हैं, उनको चिट्ठी लिखते हैं। फिर वो प्रोसेस है थोड़ा, उसमें कुछ टाइम गया है। फिर उसके बाद वो जाते हैं और संन्यास लेते हैं। उनके जो उनको संन्यास देते हैं वो है फाउंडर ऑफ वेदांत समिति, तो उनको वो संन्यास देते हैं। उनका नाम है भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज, तो वो उनसे बीपी केशव महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं तब। तो उनसे वो संन्यास लेते हैं, तो भक्ति वेदांत स्वामी वहां पे उनको दिया जाता है नाम। तो ये जो संन्यास लिए हैं वो भी एक और एक दिन है। तो उस दिन क्या हुआ था, मतलब विश्वरूप जो है चैतन्य महाप्रभु के एल्डर ब्रदर हैं, उन्होंने भी जो संन्यास लिया था तो सेम डे में वो लेते हैं, वो तिथि सेम है, तो उसी में वो आज की भी तिथि है, तो उस दिन वो संन्यास लिए हैं। और ये तो हो गया हमारे श्रील प्रभुपाद महाराज का जो संन्यास लीला था वो हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। तो देखिए कितना डिफिकल्ट पोजिशन में वो बिजनेस चला गया है, मतलब कुछ पहले उनके बच्चे भी है उनको भी ये करना है, कुछ वो ये नहीं है, उनको सब वो तब त्याग किए थे कि आने वाला जो पीढ़ी है, जो उनका गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन था कि आपसे एक महान कार्य होने वाला है, तो वो उनको छोड़ के फिर वही जो है बुक वाला जो प्रिंट करना उनके माइंड में चला था वो उसको किए और आज हम इसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए उनके जाने के कितने सालों बाद, और ये तो हम करते रहेंगे, और ये जो आने वाला पीढ़ी है वही प्रभुपाद महाराज का जो कृपा है, जो उनको त्याग जो किए थे, वो संन्यास लिए थे, जो मुश्किल में वो परिश्रम करके जो जितना हार्डवर्क किए हैं, जितना परेशानी उठाए, सब हमारे लिए। तो हम उनको प्रति कृतज्ञता कृतज्ञता अगर जन्म जन्म कोटि जन्म चला जाए और हम कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे तो भी हम वो चुका नहीं पाएंगे, हम कृतज्ञ ही रहेंगे हमेशा। तो उसके बाद आता है आज, है आज का दिन जो है तो श्रीमद् भागवतम का आज प्राकट्य उत्सव है, भाद्रव पूर्णिमा है। तो सबको अपने ये है कि भागवत को पढ़ना चाहिए, जो मनुष्य जीवन मिला है तो ये भागवत को अवश्य ही अपने जीवन में पढ़ना चाहिए और उसका ज्ञान जो है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो उसका हम ये थोड़ा सा महात्म्य जो है भागवतम का जो महात्म्य है हम थोड़ा श्रवण करेंगे।
एक एक लाइन में बोलूंगा, एक ही बहुत सारे जो श्लोक है उसमें भागवत का महात्म्य जो है वर्णन किया गया है। ऐसा बोला गया है कि जो भागवत का जो श्लोक है वो तो अमल पुराण है, उनमें से अगर कोई एक मतलब श्लोक का श्लोक अर्ध, मतलब जैसे को एक श्लोक हो गया कि नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया, नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। तो नष्ट प्रायसु ये श्लोक का शुरुआत है, तो इसको अगर कोई सिर्फ यही सुना कि श्लोक अर्धं श्लोक पादं, मतलब वो शुरुआत नष्ट प्रायसु सुना, भक्तिर भवती नैष्टिकी लास्ट में सुना, श्लोक अर्धं श्लोक पादं, तो ये भी सुना ना, यही यही अगर सुना ना, तो उसको पूरा मतलब पुण्य प्राप्ति का वो पात्र बन जाता है, पुण्य प्राप्ति का वो पात्र बन जाता है, तो इतना वो भागवत फलदायी है। और तो असंख्य श्लोकों से भागवत महात्म्य बताया गया है, तो सबको निवेदन है कि अगर वो श्रीमद् भागवतम का नित्य कोई अगर अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, तो उसको इतना पुण्य मिलेगा कि वो तो वो मतलब वो भवबंधन से मुक्ति उसको मिल जाएगा और वो ये जो भगवान के धाम वो जा सकता है। सिर्फ भागवतम का अगर एक एक श्लोक अगर वो नित्य उसको पढ़ता है और नित्य स्वाध्याय करता है और नित्य श्रवण करता है, तो ऐसे भागवत का महात्म्य बताया गया है। और ही बहुत कोटि कोटि महात्म्य है, तो हम तो अभी तो समय नहीं है, तो ये सब सन्यासी साधु सन्यासी जो बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने उनका बहुत बहुत क्लास है, आप उनसे भी श्रवण करिए। तो आज का तिथि था, तो हमारा ये साधु संघ का सभा था, तो मैं सिर्फ एक ही ये मैं बताया, तो सबको बहुत बहुत पेशेंस हियरिंग और जो श्रद्धा पूर्वक सब श्रवण कर रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रिय आचार्य तुनो प्रभु जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा सब हर डेली हम उनसे अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, फिर हमको श्रवण कराते हैं, अभी सेवा वो लिए हैं। और हमारे प्रिय पंकज नाथ प्रभु जी उनके चरणों में भी कोटि कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि वो भी इसको हम ऐसे इसको कर पाए, वो शुरू किए हैं और हमको प्रेरणा का स्रोत तो खुद बने हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और सबको इसमें प्रेरित करते हैं। तो सबका मैं चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम करता हूँ, और ये जो सारे जो आज का जो शुभ दिन है तो उसका मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर द नाइस डिस्क्रिप्शन एंड और सुशांत प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप जैसे पूरा अच्छा तरह से पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं मैं पूरा सब सुन रहा हूँ, बाद में भी फिर रिकॉर्डिंग जब टाइम मिल रहा है फिर भी सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरे को तो कुछ भी पता नहीं, मैं चाहता हूँ सब सीखने के लिए, बोलने के लिए नहीं कुछ। पंकज जनाब प्रभु, आप और संपत प्रभु सब अच्छा तरह से सब बोल रहे, मेरा इच्छा एक्चुअली सब हर टाइम सुनने के लिए एक्चुअली, तो मैं क्यों आया, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को क्या करना है, मेरे को सब नहीं पता था। ये मार्ग में आने के बाद ये सब पता चला है कि मेरे को क्या करना है। आज ये पुण्यतिथि का इतना भी, जब वो पहले ये रेगुलर क्लास इसे नहीं हुआ था ना, इसलिए से भागवत जन्म कब हुआ था क्या हुआ था माने ये अभी पता चला ठीक से। तो ये हम लोग अगर रेगुलरली अटेंड करेंगे हम लोग को ज़्यादा फायदा मिलेगा, जैसे श्याम कृष्ण प्रभु जी ने बोले, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोग को कुछ करना चाहिए।
और जो भी जितना काम भी है इसको क्लास अटेंड करना चाहिए। करने के बाद कुछ ना कुछ तो हम लोग ज़रूर तो मिलेगा। तो इतना पवित्र दिन में हम लोग का कुछ भी क्वालिटी नहीं, और वो फोर्स करके हम लोग करना है। तो थैंक यू फॉर द इंस्पायरिंग क्लास टुडे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। थैंक यू प्रभु जी। और कोई कुछ मधुस्मिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु मुझे थोड़ी लेट रे जॉइन कर ली, जैसा भी आज ये बड़ा मने गोटे पवित्र दिवस रे दिन रे समस्त आशीर्वाद मु चाहूं जी कि मुझे भक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, आदि भक्ति रे आगो को जाई परे, भक्ति जीवन मोर आगो जाई परु। आओ संपत प्रभु जेंती कहले कि आज प्रभुपाद महाराज सन्यास ग्रहण करते आज से हमको जाना नाला आज जानवा को पाइली, बहुत भल लगे क्लास टा। प्रभु समस्त को मोर रिक्वेस्ट कि आज समस्त मत आशीर्वाद करंतु कि मु भक्ति पत्र आगो को जाई परे, बाधा विघ्न तो आसुची आसीबो, समस्त को बाधा विघ्न को काटि मु केमडी आगो को जाई परे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ସବୁଠୁ ନଗଣ୍ୟ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୟୋର ଗ୍ରେଟନେସ୍। ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଟୁ ଅଲ ଡିଭୋଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଭର ଟୁ ଅଲ ଗୁରୁଜ୍, ଅଲ ବୈଷ୍ଣବଜ୍, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜିର ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯୋଉ କଥା ସମ୍ପଦ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେ ଏଇ କର୍ମର ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଚାଲିଛି, କର୍ମ କଣ, କର୍ମ କଣ, ବିକର୍ମ କଣ, ତାହାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଳୋକରେ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଶା ଅଛି। ଯେ କର୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକି ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲେ କଣ ହବ ନା ଜଣଙ୍କର ବୁଝିବାଟା ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ସିରିୟସ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ଗୀତରେ, ଯେ କର୍ମ କଣ, କର୍ମ କଣ, ବିକର୍ମ, ଏସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭେଦତା ଇଏ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଏଟା କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ବହୁତ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଯିବ, ମାନେ ଜଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଜଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହେଲା ମାନେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଦଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ପଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆଜି ଆମେ ତ ଆଜି ତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲି ଭାଗବତ ଆମ ଘରେ ଭାଗବତ ପୋଥି ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ କି ଆମର କେହି ଜଣେ କେହି ଜଣେ ବଂଶରେ କେହି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜଣେ ସାଧୁ କହିଥିଲେ ଭାଗବତ ଗାଦି ସ୍ଥାପନ କର ତାହେଲେ ତମର କେହି ପିଲାପିଲି ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏନିୱେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଗବତଙ୍କ ଇଏରେ ଆମ ପୋଥି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ପୋଥି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିଭି ଲାଗିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିଛି ଲାଗିକି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ପୂଜା କରୁନୁ, ଆମର ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ଆମର ମୋର ଯିଏ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ନାଁ ଚୈତନ୍ୟ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଏ ତମ ଇଏ ଭାଗବତ, ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଯେ ମାନେ ଆମେ ହତ ଭାଗ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏସବୁ ଯୋଗ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି, ଅଜାଙ୍କ ନାମ ନରହରି, ନରସିଂହ ନରସିଂହ ଅବତାର ଆସିଥିଲା ନରହରି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ପିଲା କାଳ ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ସବୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେ, ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଏସବୁର ମୂଳରେ ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ବା ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବୁଝୁଛି ଆମକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ହଉଛି ଯେ ସବୁର ମୂଳରେ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତା ମୂଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସେଟା ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ କାମ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ତ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି କଥିତ ସେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର
प्रार्थना मध्य दरकार ता नहले भी आमे परिवा नाही सेमानकर आशीर्वाद सेमानकर प्रार्थना हम पई सेमानकर प्रार्थना भगवान के निकट पर सेमाने प्रार्थना करले हम पई भगवान के निकट रे आमे आस्ते आस्ते भक्ति मार्ग रे आगे परिवा जहां मधुस्मिता माता जी को चाहुथले जे आमे समस्त केवल प्रार्थना ही करि परिवा भगवान हमर आशीर्वाद करिया क्षमता बकरे कार्य नाही केवल आशीर्वाद करिया लोक जने से होचन हमर स्वयं भगवान कृष्ण बाकी आम प्रार्थना करें समस्त प्रार्थना करवा आम समस्त कृष्ण प्रेम कृष्ण भावना उद्दीपना हूँ मान जाग्रत हूँ आगक आगे बढ़िया से पथरे से आम समस्त प्रार्थना करवा से आम मूल लक्ष्य आम समस्त समस्त प्रार्थना करवा आम मूल लक्ष्य हवा दरकार जहाँ किसी आम कर्म करवा सर मुझे कृष्ण को प्रीति पाई हूँ तो कृष्ण कृष्ण खुशी हे तो यही भावना जो आम भितर रही जो विकर्म जो अन्याय नीति जहाँ किसी भी करुचे से आस्ते आस्ते आम भितर दूरी जीव धीरे 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 दूरी जीव जब आम खाली कम करने पूर्व थे भाई ये कमटा कले कृष्ण खुशी हे तो यदि ये भावना आम भितर रही है धीरे धीरे आम जो भूल जहाँ किसी भी त्रुटि विच्युति आम ये हूँ आम भितर आस्ते आस्ते से सब दूरी जीव आम भगवान विशेष करुणा लाभ रुजोग पाइबा आम आस्ते आस्ते आमर अमल हो जावा आम आस्ते आस्ते अमल हो जावा मल नाशन मल रही तो हिजा आम भर समस्त दुख भी दूर हो आस्ते आस्ते समस्त दुख दूर हो जाए आम अमल हो गला तो सर गला पवित्र प्योर हो गले दुख कौटी अच्छी भगवान को तो सानिध्य पाइबा भक्त सानिध्य पाइबा भगवान कृपा कामना पाइबा किसी असुविधा हवार ना तेनाली से गोटे कथा ही चिंता करने को आमको पड़ो आम भितर यहाँ रखा पड़ो जो मुझे जहाँ कर कृष्ण को खुशी करुच तो से कृष्ण खुशी हो तो जदि खुशी हो ठीक अच्छे आदि खुशी होना तेल मत से दूरवाक पड़ो यह ही आम लक्ष्य रहा चिंता आम भितर एति रहा दरकार पड़ी आवर्त कथा भगवान से कथा बुझे भक्त मान अच्छे बुझे हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऑलरेडी टाइम 8:20 है गलानी इट्स ऑलरेडी 8:20 सो आज का सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय सर्वेद भक्त वृंद की जय और ब्रह्मानंद हरि हरि बोल हरि तत्पर भक्त 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 भक्